आज बन रहा है भंडारे का प्रसाद वृंदावन में। वृंदावन में देखिए जमुना जी हैं, वो काफ़ी उफान पर हैं और जो पानी है वो जगह जगह भर गया है, लोगों के घरों में भी भर गया है। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए, जिनके घरों में पानी भर गया है, खाना वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, बिजली कटी हुई है, तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए ये प्रसाद बनाया है। तो हलवा और चने का प्रसाद बनाया है, तो 250 लोगों के लिए ये बनाया गया है। 250 लोगों के लिए कितनी सूजी, कितना पानी, कितना घी और कितनी चीनी लगी है, तो ये सब हलवाई भैया ने बताया। और कैसे बनाया है ये प्रसाद आप देखेंगे, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मैं हलवाई भैया का नंबर भी दूंगी, जो मथुरा से, वृंदावन से या कोई प्रसाद वगैरह बनवाना चाहता है तो इन हलवाई भैया से संपर्क कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रसाद बनवाना है और वृंदावन में बंटवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक मास चल रहा है, जिसको कि पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, तो इस मास में दान पुण्य करने का, इस महीने में दान पुण्य करने का बहुत ही अच्छा फल मिलता है, ऐसा बताया गया है पुराणों में। और भागवत वगैरह होती है उसमें सभी बताते हैं कि 3 साल बाद आता है ये, तो जितना भी हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी को दान पुण्य करना चाहिए। और अन्नदान तो देखिए सभी कहते हैं कि अन्नदान महादान माना गया है। अब देखिए यहाँ पर सूजी भैया ने ना बिल्कुल लाल कर ली है, वीडियो में आपको शायद इतना नहीं दिख पा रहा होगा, पर सूजी मैंने देखा था, सूजी का कलर बिल्कुल ही लाल कर रखी है इन्होंने सूजी। और ये है चाशनी, चीनी का जो पानी है वो है। हलवाई भैया से मैं आपकी बात कराऊंगी, मतलब कि हलवाई भैया इस वीडियो में अभी बात करेंगे तो वो पूरा अपना प्रॉपर बताएंगे कि क्या मेज़रमेंट इन्होंने रखा है और कितने पैकेट इसमें बनेंगे। तो अब ये चाशनी वाला जो पानी है, पानी ठंडा हो चुका था तो चाशनी वाला पानी इन्होंने सूजी में डाला है। वैसे तो मैंने जो सूजी के हलवे का नाम बताया है तो हलवाई भैया ने भी वही नाम बताया। मैं सूजी के हलवे की वीडियो बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ, 4-5 साल पहले ही मैंने बता दिया था, तो वही नाम हलवाई भैया ने भी वही नाम बताया है। तो ये होता है ना कि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम भंडारा करवा रहे हैं, इतने लोगों के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा लगेगा, तो वो सब थोड़ा सा हलवाई भैया ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाते हैं। और इसमें मेवा वगैरह भी काफ़ी सारी डली है, तो 250 क्या, कम से कम जब ये डब्बों की पैकिंग की थी तो मेरे ख्याल से तो 300-350 डब्बे हो गए थे, तो 250 से भी ज़्यादा बन गए थे। देखिए मैंने पूरा पानी डाल दिया, अब इसको ये गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और इन्होंने अलग से भी जो पानी का नाप बताया, इन्होंने अलग से भी थोड़ा पानी डाला था, मैंने देखा था इनको, तो इन्होंने पानी डाला था। और कढ़ाई में आसपास जैसे जो सूजी लग गई थी तो उसके लिए इन्होंने सादा पानी डाल के और वो सूजी वहाँ से कढ़ाई में से हटाई थी। तेज आंच पे ही पूरा जो हलवा इन्होंने बनाया, तेज आंच पे ही बनाया है। जितना घी था उतनी ही सूजी थी, बराबर मात्रा थी, और जो मीठा था वो डबल था। और अब ये देखिए ये डाला है इलायची पाउडर, सब अंदाजे से ही डालते हैं ये ड्राई फ्रूट वगैरह, इलायची पाउडर वगैरह। ये जा रही है, तो 250 ग्राम के आसपास इलायची थी, उसका पाउडर है ये, किशमिश डाल दी। अब ड्राई फ्रूट तो देखो मर्जी से डाल सकते हो आप, आनंद आ जाएगा खाने में। 250 ग्राम ही आप समझ लो, 250 ग्राम ही किशमिश और 250 ग्राम जो साबुत छोटी इलायची होती है ना, तो 250 ग्राम थी वो, क्योंकि मैंने ही पीसी थी तो मुझे पता है कि 250 ग्राम के आसपास थी वो। छिलके समेत पीसा था इसको ना मिक्सी में। क्या भैया ये क्या चीज़? और ये डाल रहे हैं भैया नारियल का बुरादा, नारियल का चूरा, इसे गोला भी कहते हैं, सूखा गोला नहीं होता जो हम खीर वगैरह में डालते हैं वो वाला है। हाँ जी भैया, जो अभी आपने हलवा बनाया है ये भक्तों के लिए, तो कितने लोगों के लिए बनाया है, क्या नाप है इसका थोड़ा बताइएगा। 20 किलो घी लिया है, 40 किलो चीनी लिए, 80 किलो पानी लिया है, उसके बाद में मेवा वगैरह डाल के जब बनता है। अच्छा, तो ये मतलब 250 पैकेट बनेंगे इसमें, और एक पैकेट में आप 250 ग्राम के आसपास डालोगे, है ना। अब
ये देखिए ये बन रहे हैं यहाँ पे चने। तो चने इन्होंने भिगोकर रख दिए थे रात में ही, और ये भीगे हुए चने हैं। इन्होंने पहले थोड़ा सा तेल डाला और उसमें जीरा डाला और हींग डाली, और उसके बाद ये सूखे चने हैं। इसको देखो ये हिला रहे हैं, चनों को सुखा रहे हैं, हिला हिला के ना पका रहे हैं और मतलब सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। अभी इन्होंने डाला है नमक, एक भैया हिलाते जा रहे हैं और एक भैया इसमें मसाला डाल रहे हैं। और ये डाला है इन्होंने धनिया पाउडर। लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च। ये क्या भैया खटाई? और ये अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर होगा, पूरे पैकेट डाल दिया उन्होंने, खट्टे खट्टे बनाए काफी। और ये डाल रहे हैं ये चना मसाला, चना मसाला भी इन्होंने जो पैकेट आता है वो पूरे डाल दिया था। क्या डाल रहे हो भैया आप? चना मसाला, चना मसाला। वो काफी खट्टे खट्टे से चने बनाए इन्होंने, चना मसाला। बस ये चने भी बन गए हैं, बस इस तरह से इन्होंने चने बनाए हैं। हलवे का ये प्रसाद रखा जाएगा। 8 किलो चने बता रहे थे, 8 किलो चने भिगोए थे, 8 किलो बनाए हैं। तो प्रसाद जो है वो रेडी हो चुका है, चने भी हलवा भी। देखिए ये जो प्रसाद है, प्रसाद अभी इनकी पैकिंग होगी, चने भी बन गए। तो भैया ने जैसे बताया 250 डब्बे, तो ये होता ना कि जैसे अब किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, तो 250 नहीं, मेरे ख्याल से तो 350 डब्बे पैक हो गए थे, इतना प्रसाद हो गया था।